अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन शाहराए दस्तूर हिन वक़्तु पार्लियामेंट हाउस जेको आहे उहो हिकु भेरो ॿीहर एहतजाजनि जो मर्कज़ बणिजंदो पियो वञे। सहाफ़ियुनि जेको मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क़ाइमु करण जे हवाले सां ऑर्डिनेंस जारी थियो, उन खां पोइ बिल जो ड्राफ्ट तयारु कयो आहे हुकूमत, उन जे ख़िलाफ़ु सहाफ़ी तनज़ीमनि शदीद एहतजाज कयो। जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद जेके 16,000 मुलाज़िम बरतरफ़ कया विया आहिनि, उन मुलाज़िम बि शाहराए दस्तूर ते पार्लियामेंट हाउस ॾाढो शदीद एहतजाज कयो आहे। उन बद हुकूमत खेनि यकीन ॾियारायो आहे त सुप्रीम कोर्ट जो जेको अहिड़ो फ़ैसिलो आहे उनजे अपील दाख़िल कंदी वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं अदालत खे इहा इस्तदा कंदी वई त उन जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे उहो वापसि कयो वञे, त जीअं इहे 16,000 जेके मुलाज़िम आहिनि उहे बरतरफ़ी खां बची वञनि ऐं बेरोज़गार न थियनि। जॾहिं त नाज़रीन काल्ह जेको सदर पाकिस्तान ख़िताबु कयो उन ख़िताब ते बि अपोज़िशन उन ख़िताब खे रद्द कयो आहे ऐं पार्लियामेंट में ई अपोज़िशन एहतजाज कयो, जॾहिं त उते जेके अपोज़िशन जा मामला हुआ स्लोगन खणी आया, प्लेकार्ड खणी आया ऐं उते मुख़्तलिफ़ मामलनि ते एहतजाज पिणु कयो वियो। प्रेस गैलरी बंदि कई वई, तारीख़ में पहिरियों भेरो इहो थियो आहे त सदर पाकिस्तान जी ख़िताब दौरान प्रेस गैलरी बंदि कई, पोइ सहाफ़ी जॾहिं प्रेस गैलरी में न वञी सघिया त ॿाहिरि बि सहाफ़ियुनि एहतजाज कयो। इहे एहतजाजनि जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे ऐं जॾहिं त हिकु ॿी ॻाल्हि नोट कई वई आहे त जेको सहाफ़ियुनि जो एहतजाज हो उन में अपोज़िशन गॾु थींदे नज़र आई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सहाफ़ियुनि जे एहतजाज में शरीक थियो, मौलाना फज़लुर रहमान, जॾहिं त शहबाज़ शरीफ़ साहबु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां गॾु उन कैम्प में आयो ऐं यकीन ॾियारियो त अपोज़िशन सहाफ़ियुनि जे हक़नि जे हवाले सां आवाज़ु उथारींदी। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे शमीम आरा पंवर साहिबा, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे ऐं क़ौमी असम्बली जी मेंबर आहे। सलाम अलैकुम शमीम साहिबा। जी वालेकुम सलाम अदा। शमीम साहिबा, इहो ॿुधायो त मौजूदा हुकूमत जे ख़िलाफ़ु जेका एहतजाज कया वञनि पिया, ख़ासि तौरु इस्लामाबाद में तव्हां माहौल ॾिठो त सहाफ़ी बि एहतजाज ते हुया त सरकारी मुलाज़िम बि एहतजाज हुआ ते हुआ, जिन 16,000 मुलाज़िमनि खे फ़ारिग कयो वञे पियो। तव्हां छा चवंदो त हुकूमत हाणे कहिड़ी स्टेट ते आहे जो अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए पई? अदा इहा मां हिन जेके 17,000 मुलाज़िम जेके मुख़्तलिफ़ इदारनि खां इन्हनि खे मुअतल कयो वियो आहे, सर्विस खां यानी कि रोज़गार खां बेरोज़गार कयो वियो आहे, मां हिननि हिन मौक़े ते सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत थी कयां। छो जे मूंखे उहो वक़्तु यादि आहे जॾहिं प्राइम पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म जॾहिं हलफ़ खयो, हुन हलफ़ जे दौरान हुन चयो त मां आवाम खे 1 करोड़ नौकिरियूं फ्राहम कंदसि ऐं 1 करोड़ नौकिरियूं ॾींदसि। पर अफ़सोस सां चवणो थो पवे त मौजूदा हुकूमत 1 करोड़ नौकिरी ॾियण जे बजाए तव्हां ॾिठो त 17,000 मुलाज़िम मुख़्तलिफ़ इदारनि मां बरतरफ़ कया विया आहिनि। छा हुकूमत जी इहा ज़िमेदारी आहे? छा रियासत जी ज़िमेदारी नाहे त बेरोज़गार मुलाज़िमनि खे रोज़गार ॾिनो वञे? ऐं वॾे अफ़सोस सां चवणो थो पवे त उहे मुलाज़िम जंहिंजी रिटायरमेंट जी उमिरि जे क़रीब पहुची चुका आहिनि ऐं उहे मुलाज़िम जेके हिन वक़्तु हुननि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे, जेके तव्हां सोचो हुननि जा बच्चा, मां त सम्झां थी 16-17 हज़ार न बल्कि 17 लख जे क़रीब ख़ानदान खे बेरोज़गार कयो पियो वञे। ऐं रियासत जी ज़िमेदारी आहे त हू न तव्हां पाकिस्तानी हर बाशिंदे जेको बेरोज़गार आहे उनखे रोज़गार फराहम कयो वञे। पर अफ़सोस सां चवणो थो पवे त हिन हुकूमत मौजूदा हुकूमत ख़ासि करे उहो मुलाज़िम जिनखे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रोज़गार फराहम कयो, तव्हांखे तव्हां ॾिठो त जॾहिं बि जेका बि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॾहिं बि आई आहे तव्हां खे रोज़गार फराहम कयो आहे, ऐं जॾहिं बि जेका बि हुकूमत आई आहे चाहे न PTI जी हुकूमत खां पहिरीं बि जेका हुकूमत हुई उन बि तव्हां ॾिठो त जेके मुलाज़िम असां रखिया हुआ उन्हनि खे बरतरफ़ कयो वियो। ऐं भई जॾहिं हाणे वरी जॾहिं पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आई त वरी असां उन्हनि खे बहाल कयो, हाणे तव्हां वरी ॾिठो त जेके मोहतरमा बेनज़ीर 1985 खां 1980 जा मुलाज़िम 1995 जा मुलाज़िम मुख़्तलिफ़ इदारनि मां जंहिंमें सुई गैस बि अचे थो, जंहिंमें स्टील मिल्स जा मुलाज़िम, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि, तव्हां ॾिठो त यूटिलिटी स्टोर जा मुलाज़िम, हर तरफ़ मीडिया जा मुलाज़िम, मीडिया जा जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जे खे बि बेरोज़
रोज़गार किया सख्त लफ्जन में मज़म्मत क्या थी रियासत की जिम्मेदारी आ कि उन्होंने रोज़गार दिनों वे उनका बच्चा इन वक्त कड़ी पोजिशन में होंदा उन्होंने घर में चूल्हा भरंदा उन्होंने चूल्हा विसाया पे वन उन बच्चन के बेरो बुख पे मार बदहाली जो शिकार कर पे वे तोचो कि जो बेरोजगार थे आखिर कह आखिर वो पान की खुदकशी कड़ो वहीद नाले मुलाजिम हो उन्हें बच्चन सूदो उतने मुला खुदकशी के लिए उतने वह पर उतम उनके बचा छोड़ो यानी कि एतरा दिल बर्दाश्त चुका है जो बच्चन सूदो खुदकशी कह रियासत की वजीर आजम की नाकामी आ हुकूमत की यही चवंदस यो बतायो तो हाँ इन वक्त मौजूदा हुकूमत जेतोणीक अपोजिशन तमाम घनी सख्त उन्होंने तनकीद कई पी वे एहतजाज वाला माहौल भी आन मीडिया जो जो एहतजाज हो उनमें डिठोसे तो सजी अपोजिशन शामिल थी आई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गड अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी आयो तो जी अपोजिशन के विच में दूरियो हुई तुम समझो हाँ अड़ो माहौल वरी डेवलप थे पो तो ये अपोजिशन जो दूरियं खत्म थियन थी इन वक्त अपोजिशन पंजी जगह ते किरदार अदा कर रही है यकीनन एक इन वक्त आवाम जो बरंदड़ इशू आए और उन मुलाजमन जो इशू आए उनते हर जे हर हर जमायत सियासी जमायत आ वो बिल्कुल उन्होंने सा गड बीठी है आई असा उन्होंने सा गड बीठा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तहां डिठो तो हमेशा रोजगार फराम कयो आए जदे भी इक्तदार में आई आ हुकूमत तदे मुलाजमन के रोजगार दिनो आ बेरोजगार के रोजगार दिनो आ आई जेके कॉन्ट्रैक्ट ते हुआ उनके रेगुलराइज कयो आ जनाब आसिफ अली जरदारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जदे भी इक्तदार में आया वो हमेशा उन्होंने नौजवान के रोजगार जो फिक्रमंद रहा तुम दिठो तो यही मुलाजिम आ जिनके इन का पैं जो हुकूमत हुई उन्होंने बरतरफ किया वह जी असो इक्तदार आया तो जनाब आसिफ अली जरदारी उन्होंने वरी अस बहाल असान रोजगार जहा मुहाफिज आयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो तमाम इन गाल के नोटिस वे असा सभी के पाबंद कर तो तुम वनो धरने में पान भी शरीक थे तुम दिठो तो पान भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कल धरने में ब दफा वह अस उन दुख में उन्होंने गड शाना बशाना बीठा आयो बिल्कुल ओस तीन अस बीहसी जेस ती न बहाल थन ये अस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी में शामिल है शमीम साहब यो बुधायो तो हाँ अस यो तस्वर क्यों तदें अपोजिशन हाँ गड थे पी यो महसूस थे पो तो अगत हली अड़ो माहौल तो जी पे पीडीएम जो इतिहाद थो सब अपोजिशन गड हुई तो एक भेरों बीहर का अड़ी उम्मीद कर सकते थी तो अपोजिशन एक भेरों बीहर गरजंदी ए हुकूमत के टफ टाइम दिन की कोशिश कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत है वो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीड़ी हैसियत रखे थी ए पार्टी आ वही पार्टी आवामी पार्टी आ नेशनल लेवल ते पार्टी आ वो पंजे मौकुफ जे बुनियाद ते पंजे पॉलिसी जे तहत आवाम सा गड बीठी आ पाकिस्तान जे हर इशू में आवाम सा गड बीठी आ चाहे वह बेरोजगारी हुए चाहे महंगाई हुए चाहे तुम हाँ दिठो अज दिसो डॉलर की कीमत केतरी वधी वई आ तहां दिठो तो डॉलर की कीमत चार मुझे ख्याल में 16 महीनों में तकरीबन पाकिस्तान की जो बैरूनी कर्ज जो डॉलर की कीमत है इन वक्त 168 रुपया 94 रुपया थी वो तुम सो दिसो तो अज वरी 84 रुपया वधी वन हाँ तुम जैसे डॉलर की कीमत वधंदी आ तो ऑटोमेटिक खाण पीण की शूं महंगी थी वन यानी कि आवाम के ढों ढी तकालीफ में तकलीफ में बुख बदहाली दिनी पी वे जैसा तुम दिसो जो गरीब मानू आ जो पोरियत कड़ा जो मजदूर तबको है वो पैं घर जो गुजर सफर कें कार टाइम की मानी कें दई के एजुकेशन कें दई सेहत की फैसिलिटीज उन्होंने वट को होंगी वो बार सुठी तालीम को दई तो यकीन तो दिसो तो मुल्क में बदअमनी पैदा थी जाहिर मू खुदकशी कंदा मू डाका हणंदा मू चोरी के तरह राग थींदा आखिर तुम सोचो मुल्क कड़ी तरह वरतो पे वी पे वे मुल्क के कड़ी तरह वरतो पे वे मुल्क के मां नथी समझा तो मौजूदा हुकूमत आवाम के को रिलीफ दिनो आवाम के तकलीफ में पहुंचाया आवाम के बदहाली दिनी आवाम के रणियों कढ़ी छड़ियों अन चीखू कढ़ी छड़ियों अन चेल चिबी कर दवाओं महंगी न डॉलर महंगो हाँ अजो कि कम दिसो डॉलर की छठो वे तो चवन था तो हमने तो पाकिस्तान का कर्ज उतारिया पाकिस्तान की तारीख में
मां समझा थी एतरो कर्ज पाकिस्तान न वरतो जेतरो हिन वक्त बैरूनी मुल्क जे असा कर्ज हेठ आयो 1800 अरब रुपया डॉलर जा असा कर्जी थी वा पाकिस्तान न को कम कयो न को तरक्याती कम थियो न यूनिवर्सिटी लगियो न अस्पताल ठयो न कोई आवाम के रोजगार मिलियो आखियो कर्ज केड़े बुनियाद ते वरतो वने थो आवाम पुछण चाहती आ भी यो सवाल कंदस त तवा यो कर्ज किथे इस्तेमाल पे कयो केड़े मद में इस्तेमाल पे थे यो पाकिस्तान के तवा कर्ज ही बनायो वा पाकिस्तान ठीक आ शमीम साहिबा यो बताया जो सदर पाकिस्तान जो को खिताब हो ता समझो तो रियासत के सरबराह की हैसियत से उन्होंने खिताब किया वो खिताब अपोजिशन उन खिताब की कड़ी नज़र से ऐसे थी असान खिताब के बिल्कुल भी पॉजिटिव ना दिसो नेगेटिव दिसूँ था छो जो जैसे प्राइम मिनिस्टर ही मुल्क के कुछ न दई सको तो खिताब से आवाम के सेहत कड़ो असर तो पवे इन खिताबन इन अखबारी बयान से या इन मीडिया के बयान से सजो ढी तिठो जे भी मिनिस्टर वो सिर्फ मीडिया से वेठा आवाम वट वही को खुलियो कचहरी कन आवाम के वही मसलन के बुधन तुम दिठो तो हर वो मिनिस्टर जो गालम गलोच में होशियार न गालम गलोच में नंबर वन थन उन्होंने अगर रखो वो उन्होंने रुगो जो अपोजिशन जो मैंबरान उन्होंने लाए इस्तेमाल कर तो वे न कोई पाकिस्तान की तरक्की ला न कोई पाकिस्तान के आवाम के रिलीफ दियण के लिए हुकूमत की हूँ जिम्मेदारी है तुम ऐसो तो हाँ हुकूमत करे पी तो इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारो है तिठो रेलवे मिनिस्टर आऊँ इन गाल सख्त लफ्ज़ में कंडेम कदस त इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारो है उनके ला वुजरा कड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल था कन तुम सोचो आग लगा दो भाई तुम्हें यह खबर ना है तो इदारा एक आइनी हिस्सत रखन था इलेक्शन कमीशन को वो आइनी इदारो है तो उन्होंने लाइ अड़ा इस्तेमाल लफ्ज़ इस्तेमाल अदा इन कुछ खबर ना है तो हुकूमत में वेही असके अपोजिशन के गड खी हलणो आ जैसे पाकिस्तान जो को अहम इशू थे तो कश्मीर जो इशू थे तो अस याद अचू था जैसे को करोना जो इशू थे तो असे चेयरमैन बिलावल भुट्टो हथ वधायो जैसे फर्स्ट टाइम जैसे असेंबली जी हलफ खायों तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो पंजी स्पीच में चयो तो अस पाकिस्तान के इदारन के पाकिस्तान के आइन के पाकिस्तान के मजबूत मुस्तकम करने तवा सा गड बिठायूं आ तिठो तो अस चेयरमैन बिलावल भुट्टो हर बरंदर हर अवामी इशू से गड मौजूद हैं पर ये असके खी हलण तैयार ना एक पाकिस्तान जो वजीर आजम तुम सोचो कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खपे तो असेंबली में अचे सभी अपोजिशन से हैंडशेक करें पा तिठो कदें भी अज टे साल जे रिकॉर्ड कढ़ो त मीडिया जो रिकॉर्ड कढ़ो कदें भी उन अच्छी अपोजिशन के कें भी मेंबर से अच्छी हथ को मिलाया होंद पवर साहबा वही मेहरबानी टाइम दिनों नाजरीन इतने वो मुख्तसर ब्रेक ब्रेक बाद हाजिर थी नाजरीन वेलकम बैक नाजरीन स्टूडियो में असेंगे ज्वाइन किया है जयप्रकाश लुहाणो साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कौमी असेंबली में मेंबर है पीटीआई जो एक अहम अगवान है अस्सलाम वालेकुम जय साहब जय साहब ये बुधा तो सदर साहब जो खिताब किया उनते अपोजिशन तनकीद करे पई है तां ऐवान में दिठो तो एहतजाज किया वो स्लोगन प्ले कार्ड भी अपोजिशन खड़ी आई सदर साहब जो खिताब तुम समझो तो मोतदल खिताब हो या अपोजिशन रिवायती तौर जी अपोजिशन के अपोजिशन करनी होंगी है थे पे सब का पहला मां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत जो टे साल मुकम्मल कया उन हवाले से जी जी साल मुकम्मल नौ साल शुरुआत उनमें वजीर सदर ममलकत खिताब कदर ममलकत जो कौमी असेंबली खिताब के जी नज़र से तो समझा तो तारीखी खिताब है पर मुझे उन अफसोस भी थे तो जमहूरी पार्टी पाँच पान सदन वाली पार्टी जैमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुए पी एम एल एन हो कल सिर्फ ए सिर्फ बहानों ठाओ कें भी तरीके से अस सदर ममलिक जो खिताब है वो उनमें रंडक हुजू उनमें उनके उन सुठी गाल आम तक न पहुँचन मीडिया जो सदर मामल के खिताब कवरेज न करें तो वह उन्होंने खिताब पर मां समझा तो मुकम्मल नाकाम थी
उन्के कल खी आया मेन ब पॉइंटू खी आया हुआ उ खी आया जो मीडिया जो बिल के हवा से प्लस में उन गाल के मुलाजमन के हवा से बही गाल क्यों उ बिन्हीं गाल में को जो मुलाजमन जो जै हवा गाल कई उनमें तो हुकूमत जो तो डोर ना हुकूमत बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो उन्होंने अगर आप समझा मुलाजमन के जैसे अड़ी गाल है तो उसे चीफ जस्टिस का मुतालबो कर जे उन जजेस से गाल कर जिन यो यो आखिर में वेंदे वेंदे फैसलो दिनो मां कतई तौर जो फैसलो आयो को उनमें मां भी मुतमिन ना आया पर जेके मुलाजमन मिलियो उसे भी तुम दसो तो उसे के दौर में मिलियो कि मिलियो उसे भी सो बई गाल मुलाजमन मिलन वो भी सवाल आज जो फैसलो आयो मां उनके भी सवाल निशान तो दिया बी गाल सदर मुमलकत जो खिताब के तारीखी इनके दींदस ऐसो सदर मुमलकत जो हुकूमत जो वीन हों हुकूमत जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ मंशूर हों उन हुकूमत अमल पेराए वजीर पाकिस्तान जै तरीके से मुल्क की इकोनॉमी के अपग्रेड किया जै तरीके से ग्रोथ रेटी ए तुसो जै हालात में मुल्क जै सूरत में कोरोना की सूरत में जै तरीके से कोरोना में निकत जै तरीके दुनिया तारीफ करे थी इमरान खान की मां समझा तो वो काबिले काबिले उनकी तारीफ जो अमल हो समझ इमरान वजीर सदर मुमलकत उन सजे टिन साल की कारकर्दगी की अक्कासी पे कई उनके इंडोस पे उन अना भी जो बस साल रहन था हुकूमत जहाँ उनमें उनो गाइडलाइन भी डी उन गडो गड एसो वे में वही गाल मुल्क जै सूरत में गुजरे पो मुल्क जै खिते में अफगानिस्तान की सूरत तुम जो सूरत में कश्मीर से उन गो जो अफगानिस्तान से गलो समझ सो तारीख जो अमल हो। अच्छा प्रेस गैलरी के तारीख में पर्यों भेरो पार्लियामेंट की जो प्रेस गैलरी है उनके ताला आयो है हालांकि माजी में जो डिक्टेटर आ उन्होंने भी ये न थो काफ़ी पाबंदियों भी मीडिया से लगे पर पार्लियामेंट की जो प्रेस गैलरी है वह बंद न थी इन भेरे यो पीटीआई गवर्नमेंट में यो नज़र आयो गोके सहाफी आन उन बार एहतजाज से भी हुआ तो तुम समझो तो गवर्नमेंट मतलब टुवर्ड्स मीडिया जो उनको एटीट्यूड आट्यूड आ मुनासिब है ऐसो गाल जो समझा तो जो बिल की जिन गाल पे जहाँ जिते कदर फवाद चौधरी के बुध आजा तो ये गाल ही नहीं कई तो असा को बिल को ड्राफ्ट थो या बिल कमी से पेश तो किया सिर्फ अगथियों खदशात समझा तो मीडिया के पर जो मीडिया की लाजमी है एक प्रेस गैलरी खाली हुई इनकी का यो को तारीफ न को सुठो सुनो पर जरूर का न का गाल अड़ी गाल पौती होंगी उन ताई या खदशात पौता हों हुकूमत ताई या स्पीकर से यो कम सजो अमल स्पीकर जो हो तो इनमें हुकूमत जो इनमें हुकूमत की फैसले हाजिर जैसे अगर प्रेस गैलरी खाली तो समझा तो स्पीकर स्पीकर न पीटीआई जो हो न पीपल्स पार्टी जो न पी तो गडियल कस्टोडियन हाउस जो हाँ मुख्य खबर ना तो उनो फैसलो किया लाजमी है सदर ममल जो खिताब मीडिया की गैर मौजूदगी में थे तो यो भी सुठी गाल मीडिया ताजुब जड़ी गाल है तो सदर साहब जैसे मीडिया जो शुक्रिया अदाई कर पे चाहिए प्रेस के गैलरी तरफ हथ खो तो दिखो तो वो मीडिया सदर साहब के भी इन समझा तो मुझे ख्याल में यो स्पीकर जो जाती फैसलो या स्पीकर ते अड़ी गाल का पोती हुई जैमें उनके यह गाल पोती तो सदर मुमलकत के खिताब के शायद जी अपोजिशन वधी खराब के उनमें को उनके खदशात नजर पे आया उनके सेफ सेफ गार्ड के हवाले से शायद उन ये तो स्पीकर ऑफिस ही बुधा सके तो हुकूमत जो अमल दखल ना है। अच्छा तुम मुलाजमन की गाल कई इन मुलाजमन के बहाली लाए वफाकी हुकूमत चो अस नजरसानी दाखिल कंदे सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल यह गाल कई है तो इनके बीहर बहाल कर वे तो अपोजिशन की जगह वह तनकीद है तो समझो तो हाँ खत्म थी वजन खपे या अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग लाइ इन मामले के अना उथारे ऐसो अपोजिशन बेसिकली अपोजिशन की न हमदर्दी मीडिया से है न उनकी हमदर्दी मुलाजमन से है वो सिर्फ मौको तलाश कह हुकूमत अपोजिशन खुद तो कमजोर आ अपोजिशन पैंजी तक एजेंडा आई कान असंखे करण है वो रस्ते में हलदड़ मानू हों दुनिया में कंसा जेड़ो करण हो धिको रही कहे हि उ सिलसिलो पे हल मुलाजम वो पा ती पौता उसे तीन पा पौता
मीडिया पान ही पान कोशिश पे करे। हाँ मुख्य बुधायो मां मुझे सवाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी का अजीज मेमन सिंध में कत्ल थो या न थो अजय लालवाणी सखर में कत्ल थो न थो इन कत्ल ये किए थे मीडिया सिर्फ हुकूमत अच्छा मीडिया मीडिया अगर मीडिया की आज़ादी कन था अज मां ट्वीट भी कर मतलब अगर तुम सच के सच के हक में गाल चाहो जी बिलावल भुट्टो इतने इस्लामाबाद में बटे मीडिया जर्नलिस्ट से वाक़ थे उन्होंने वो घर हली वो अजीज मेमन की फाते से वो मुखा सवाल तो पुछा अजय लालवाणी जो कत्ल थो बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो जहाँ जो उतने सखर के अगवान अजय लालवाणी की उनके वारसन से कद कत्ल कदम ताजत कर ही तो सिर्फ ए सिर्फ एक टोपी एंड ड्रामो है उन्होंने एक रस्त नजर आयो हाँ तो थो सिंधी में चवन पर बत में पुट पढ़ा वो कम बाहर अची माना बिलावल भुट्टो अवान मीडिया अच्छी वही रो उतर गाल हल पो पे मूँ पे पान के चेंज कर पे मंसूर के चेंज कर इं ही समझा तो जे मुलाजमन जहाँ समझा तो जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो आयो उन भी सवाल निशान जो इतने अरसे उबाल थे तो उन वक्त फैसलो करना अज जुकूमत पीटीआई की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वेंदे वेंदे 16,000 मुलाजम के फारग कराया तो मां को उन फैसले को सुनो फैसलो न समझा पर इन में हुकूमत छी कर सके यो सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो है मां समझा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मुतालबो कर खे हाँ हुकूमत जो फर्ज थे तो जे मू बेरोजगार थन उन्होंने जो मसलो बुधी कर कानूनी है जो उन्होंने दायरे में अचे थी उनकी मदद कर खे मां तो इन गाल में हक में आया तो ये मुलाजम बहाल थे खे अच्छा एक बी गाल असांगे नजर आई तो साफिन जो धरणो उनमें बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से गड आयो जतोणी नून लीग से काफ़ी उन्होंने जो दूरी थी चुकूँ तो हाँ इन इशू से या इन बहाने अपोजिशन गड़जे पी अपोजिशन एक भेरों बीहर गड़जे पे जी पीडीएम के शुरुआती दौर से गड़े हाँ तुम समझो तो अपोजिशन जो गड़जन को एक भेरो बीहर हुकूमत के खिलाफ को मोमेंटम थी सके तो या तुम समझो तो पे वागे ही शायद ही जैसे गड़जन भी तो कुछ को सो ही जो अपोजिशन जो बेसिकली भाई पार्टी अलग अलग होंगे पार्टी के मंसूर अलग अलग होंगे सियासत में जड़े पार्टियों जड़े उनके जाती मकसद नजर इंदो तो पार्टी पा में गरीबी जैन इन प्रेशर हो जैसे हे पाँच पान के नेबजदा हुआ उनमें हे पा में गड़िया हुआ हाँ मुख्य जो लगे तो नवाज शरीफ जो पीमल एन में उनमें बटे बेहन हलन पे जै तरीके से शाहिद खाकान बिलावल भुट्टो के लिए जुबान इस्तेमाल कई जै तरीके से मरियम नवाज पीपल्स पार्टी ला कई या पीपल्स पार्टी इन जवाब जो दिनों उनमें बिन्हीं पार्टी में विछा तो वजन पर समझा तो हि तो ये कहीं मूँ भत्त में बजा दुश्मन घर बंद हथ में लाइन ब अलग अलग पार्टियों में अलग अलग मंशूर हो तो जाती ख्वाहिश लगे ये पे तो बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से पे पान के जै तरीके से कल मूँ असेंबली में वो बिलावल भुट्टो इंटर होंदे ही एडो तेज दौड़ो आयो अची शहबाज शरीफ हथनी मुख्य ये भी लगे तो जड़ो तक शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी चेयरमैन हो वाइस चेयरमैन हो बिलावल भुट्टो मुख्य हैरत थी तो जै तरीके से कल बिलावल भुट्टो अची कर असेंबली दाखिल थे दौड़ को बार नंबर दौड़ो अच्छी पे पी हथ दी तो मुख्य समझ में गाल बहर से लगी जो पान में एक भेरो बीहर मोहब्बत जो तहज नजर में सबब कड़ो थी सके तो चौधरी निसार साहब भी संभरे पो तो पंजाब के हवाले से तब्दीली हवाले से कुछ तो तुम समझो तो अपोजिशन समझे पी इन किस्म जो गेम्स थन पो अड़ो मामलो है जो उनके ओवरकम कजे या को पैंजो स्पेस ठाए जे दिसो पीपल्स पार्टी जो जो पंजाब में आए तवा हाने डठो जका कैंटोनमेंट इलेक्शन थी इनमें पीपल्स पार्टी पंजाब में नालो निशान नजर पे अचे जतोणे बिलावल भुट्टो दौरा किया साउथ पंजाब में पर मुखे वो पीपल्स पार्टी जी पार्टी जे हाने सिंध ताई जे सिंध ने जा अंदरूनी जिलन ते महदूद थी है पंजाब में नजर कुछ कोन पे अचे एही जका पीएमएल एन है वह पंजाब के जो सेंट्रल पंजाब ओस ताई महदूद थी वही है तुम ऐसो तो उन्हें जो भी साउथ पंजाब में जब मकबूलियत खत्म थी चुकी है तो हाँ लाजमी है बाद टेवी इलेक्शन इलेक्शन में काफ़ी शुरू एक बे जरूरत पवी थी सके तो इन एक बे की जरूरत पवे अगर हली कर मुख्य नो लगे तो इलेक्शन अग में को
पीडीएम जो या पाण वेझो पाण में दूर थी चुका इन्हनि जो अहिड़ो मूंखे हिकिड़ो छा नथो लॻे ईअं ज़ाहिरी तरह तव्हांखे असेंबली में लॻंदो कल्ह बि ॾिसो त जेकॾहिं अलॻि अलॻि चलो ॻाल्हियूं त मतिलबु पंहिंजे हुननि जी ज़ाती को अपोज़िशन जो मंशूर त हुन खणी आया न हू त कल्ह जेका असेंबली जेका बि तव्हांखे नज़र आई मीडिया जी ॻाल्हि आई मुलाज़िम जी ॻाल्हि आई ॿी हुननि कहिड़ी ॻाल्हि नज़र आई जेकॾहिं इहे ॿ शयूं हुजनि त छा कंदा टियों बहानो ॻोल्हींदा त अपोज़िशन मुंहिंजे ख़्याल में हाणे बिखरी चुकी आहे अपोज़िशन जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु عوام کے یا میڈیا جی کے تصویروں موکلنا ویڈیو تن ریکارڈ کر موکلنا باقی ٹھیک ہے جے پرکاش لوانو صاحب تان جی وڈی مہربانی تا اساں کے ٹائم नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे रज़ाक खट्टी साहिबु जेको सीनियर साफ़ी ऐं तज़िया नगार आहे। अस्सलामु अलैकुम रज़ाक साहिबु। रज़ाक साहिबु, इहो ॿुधायो सदर पाकिस्तान जो जेको ख़िताबु हो अपोज़िशन ते तमामु घणी सख़्त तनक़ीद करे पई ऐं उन ख़िताब खे रद्द कयो। ॾिसो त ॾिठो तव्हां त पार्लियामेंट में अपोज़िशन प्रोटेस्ट बि कयो त सदर पाकिस्तान जो जेको ज़ाहिर रियासत जो सरबराह आहे उनजो ख़िताबु कीअं हुजणु खपे ऐं अलवी साहिबु जेको ख़िताबु कयो आहे जेका अपोज़िशन तनक़ीद करे पई, छा उहा जाइज़ आहे? वॾी महिरबानी गौर साहब, मुंहिंजो ख़्याल आहे त अपोज़िशन खे जेतिरो चवणु घुरिजे शायदि हुन खां वधीक हिननि खे ॻाल्हाइणु घुरिजे आहे। इन करे त रियासत जो जॾहिं सरबराह आहे मुल्क जी सभिनि खां ताक़तवर इदारो फ़ौज आहे, हुनजो सुप्रीम कमांडर आहे आइनी तौर ते, ऐं ज़ाहिर आहे जेके बि समूरा आइनी इदारा आहिनि हुनजे मातहत आहिनि, ऐं हुन सां गॾो गॾु तव्हां अंदाज़ो लॻायो त पाकिस्तान में रियासत जो सरबराह आहे। रियासत जे सरबराह खे कहिड़ी बि रीत ऐं कंहिं बि सूरत में इन क़िस्म जा लफ़्ज़ अदा न करणु घुरिजनि। त महांगाई जो ज़िक्र कोन कयो, हुन चयो त दुनिया खे जेको आहे सो इमरान ख़ान जी मुरीदी में अचणु घुरिजे, हुनजी शागिर्दी अख़्तियार करणु घुरिजे, ऐं हुनजो चवणु मक़सदु हुयो त मुर्शद जे जेको आहे सो पंहिंजी हुन में छपर छाया में अची वञनि। पर माण्हुनि जा मसला आहिनि जेके उहे बयानु कोन थिया। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जा इशूज़ आहिनि, उहे बयानु कोन थिया। मक़सदु उहो ई नैरेटिव हो, सदर साहबु उन खां थोरो अञा अॻभर हो, मथे हो। मक़सदु हुनजो चवणु हो त अपोज़िशन जेको आहे सो ॻाल्हि खे सम्झे, अक़ल हासिलु करे ऐं हुकुम जेको कुझु चवे थी उन ते ध्यानु ॾिए। EVM मशीन जो जेको मामिलो आहे, हाणे EVM मशीन को सॼी दुनिया में कामयाबु प्रोजेक्ट न आहे, हिकु ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त पाकिस्तान हिंदुस्तान जहिड़ा जेके मुआशिरा आहिनि जिते ॾाढ मुड़सी जो अंसर तमामु घणो आहे, उते ई जेकॾहिं तव्हां मशीन रखो था त उन ॻाल्हि जी कहिड़ी गारंटी आहे त उते फेयर एंड जेको आहे सो साफ़ इलेक्शन थींदा? माना हिन वक़्तु तव्हां अंदाज़ लॻायो त FBR जी जेका वेबसाइट हुई उहा हैक थी। अञा ताईं मुख़्तलिफ़ वज़ीर मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं पिया कनि, उन में हक़ीक़त छा आहे का ख़बर न आहे। सो बुनियादी तौर ते सदर साहब खे हिकु त इहा ॻाल्हि न करणु घुरबी हुई, नंबर वन। ॿी ॻाल्हि इहा त मूंखे हैरानगी इहा थी त कल्ह मीडिया जा असांजा जेके प्रेस गैलरी हुई उहे सभु दोस्त एहतजाज ते हुआ। पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरीं दफ़ो ईअं थियो त तव्हां प्रेस गैलरी स्पीकर बंदि करे छॾे। स्पीकर बुनियादी तौर ते क़ौमी असेंबली जो कस्टोडियन आहे। क़ौमी असेंबली जेको मुल्क जो हिकिड़ो वॾो इदारो आहे, हुकूमतूं ठाहे थो ऐं आइन साज़ी जो बुनियादी मोहरक आहे, अहम किरदारु अदा करे थो। उन जे अंदरि पार्लियामेंट जे अंदरि साफ़ी पार्लिमानी साफ़ियुनि जो वॾो रोल आहे, उनखे एक्सटेंशन सम्झो वञे थो। इन सॼी सूरत हाल जे करे कॾहिं बि असां कोन ॿुधो त को प्रेस गैलरी खे ताला लॻा हुजनि, पोइ प्रेस लाउंज खे ताला लॻा हुजनि। यानी स्पीकर क़ौमी असेंबली पाण बि आइन शिकनी कई, हिकिड़े पासे सदर साहबु इहो कमु कयो, ॿिए पासे स्पीकर साहबु कयो, ऐं टे पासे तव्हां अंदाज़ लॻायो त क़ौमी असेंबली जो इजलास जंहिं महिल हले पियो उन में जेको टेलीविज़न आहे क़ौमी असेंबली जो पंहिंजो PTV, अपोज़िशन जेको बि एहतजाज पियो कयो उहो ॾेखारियो ई न पियो वियो। हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि अवां छा जेको आहे सो उन मां तवको करे सघो था? अच्छा, इहो ॿुधायो त ज़ाहिर रियासत जो सरबराह आहे ऐं पार्लियामानी साल जो ख़िताबु हुयो,
रिवायत ई हूँ पार्लियामेंटी साल की कारकर्दगी होंगी उन सरसरी नजर भी उजबी है सदर साहब पैंो विजन भी पेश कह समझो तो वह शे अची सगी मुझे ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर मकसद कुछ मौका अड़ा आन जिते सफाई जी मानो चाहिए पर अंधेर नगरी वाले अंदाज से बिल पास थे यानी एकड़े भेरे ये थे तो कोरम पूरा कौन हो एक भी बिल एक ही धक में पास थे जैसे बाद में वापस वरता वह पर बुनियादी तौर पर उन्होंने इन किस्म की सूरताल जहाँ भी उनते ध्यान दियन घुर्ज पार्लियामेंट के अंदर जो जेड़ो थो बजट वारे डीन में किताब एक बे हूँ मानू जख्मी थे जगह सारी सूरताल थी उन कुछ को पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज जो इशू आ टिन सूबन में को ठीक है पीपल्स पार्टी वट है उन का गाल को मकसद ये तो रियासत सरबराह बदरा मुख्य ये लगो तो एक सुधरल शक्ल में पीटीआई जो कारकुन हो जै गाल पे हालांकि स्पीकर ए सदर जहाँ ये अहदा जे सियासी जमात की वाबस्तगी का मुआवरा हूँ पर इन सारी सूरत हाल जो उबतड़ बिन्हीं जो रोल हो एक आइनी सरबराह हो बो आइनी इदारे जो कस्टोडीनो बिन्हीं जो कल जो रोल डिठो काबिल अफसोस हो या समझा तो नए पार्लियामानी साल की जो शुरुआत थी है वह कें तौर पर सो बेहतर शुरुआत न तुम समझो तो ज़ाहिर जो आइनी सरबराह है मन अलामती तौर पर रियासत जो मतलब रियासत सरबराह हों हों वज़ीर आज़म ज़ाहिर इंतज़ाम संभाली ते पे लगे तो जण वज़ीर आज़म बेंच वट वेठो वो सजो सदर साहब जी भी तकरीर कई वो सजो वज़ीर आज़म की तारीफ़ में तकरीर कई तो कोई रियासती मामलन ते छादा समझो तो घट डिस्कस थे जो थन खपे असल में हन सजी सूरताल जा ब पहलू हैं एकड़ो तारीखी यो आए त माजी में ज़ियाउल हक है गुलाम इसा खान है फारूक लगारी है ही उवे सदर वा जिन जे हथन में असेंबली होंदी भी असेंबली के डिसॉल्व करण जो उनन के अख्तियार होंदो इन सजी सूरताल में उनन जो अपर हैंड होजन गाल समझ में अचे तो आसिफ अली जरदारी जो जगह पोजिशन हुई सदर तौर खिताब करण की उनको एकड़ो पासो यो तो अरणी तरमीम का पोए भी सदर पंजा अख्तियार शिफ्ट कया पार्लियामेंट के उनके बावजूद आसिफ अली जरदारी जै हुकूमत जो सरबराह हो जगह पार्टी हुई रूलिंग पार्टी उनको सरबराह हो उन सूरत में उनको अपर हैंड समझ में अचे पो उन ममनून हुसैन आयो है उन ब तकरीरू कयुन पर घट में घट इन किस्म की सूरत हाल को हुई जो कल पेश आई यानी तया जो टे खिताब बया हुआ आरिफ अलवी साहब जहाँ सदर साहब जहाँ उ जहाँ बुधो यूट्यूब से वही तो अंदाजो थी वो तो उन खिताब में कलवार जो खिताब में वो फर्क नजर आए ठीक है रजा खटी साहब तीन मेहरबानी तक टाइम दिनों नाजरीन ही शो तिठो इंदर राजधानी टाइम में कें नए मौजू से गड हाजिर थन्दूँ पैं मेज़बान गौर गांगरो के इजाज़त दींदा अल्लाह